हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 फोर क्लास 9। चैप्टर नेम इज सर्कल। क्वेश्चन विच इज गिवेन इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है दो सर्कल जो है इस तरीका से इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, है ना, एक ए पॉइंट पे दूसरा बी पॉइंट पे। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका जो सेंटर है वो इस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये बाइसेक्टर है, ये यानी ये और ये इक्वल है ऑफ द कॉमन कोण, इस कॉमन कोण पे ये परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई हमें दो चीज प्रूफ करने होंगे। एक चीज हमें प्रूफ करना होगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं, यानी ए पी ए पी ओ। आप इधर वाले भी कर सकते हो, इधर वाले भी कर सकते हो, मैं इधर वाले को लेकर भी कर रही हूँ। ए पी ओ इक्वल टू में बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री किसी लाइन परपेंडिकुलर, सॉरी, जब कोई लाइन स्टैंड है किसी चीज़ पे और वो 90 डिग्री है, तभी हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड ये दोनों बाइसेक्टर है, यानी ए पी इक्वल टू बी पी, ये दोनों चीज़ हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है कि ए बी जो है वो कॉमन कोड है ना, ये ए बी कॉमन कोड है दो सर्कल का, दो सर्कल है, इसमें जो कोड है एक ही कोड है, और इसके लिए भी है, इसके लिए है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें कुछ चीज़ फाइंड करना होगा, यानी कि अगर हम ये दोनों पार्ट किस में आ रहा है, ये दो ट्राइंगल में ए पी ओ और बी पी ओ ट्राइंगल में, बट अगर हम डायरेक्ट अगर लेते हैं तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्जुएंट प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट थ्री चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो वो तीनों साइड इक्वल हमें फाइंड करना हो, या तो तीन एंगल्स, या तो फिर साइड एंगल साइड इस तरीका से, या तो फिर आरएचएस रूल से हम कर सकते हैं। तो तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो मिल रहा है कि ये एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये कॉमन है, बट तीसरा हमारे पास नहीं है। तीसरा हमें फाइंड करने के लिए एक स्टेप सॉल्यूशन पहले हमें करना होगा। वी कैन डू दैट कि आपका ये आपका ये पॉइंट, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ना, और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, है ना। इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, ए ओ इक्वल टू ए ओ डैश, ए ओ इक्वल टू ए ओ डैश। सिमिलरली बी ओ बी, तो बी ओ इक्वल टू बी ओ डैश, ये दोनों क्या है आपका रेडियाई है, ओके, है ना, दोनों क्या है रेडियाई है दोनों सर्कल का, ये इस सर्कल का है और ये इस सर्कल का है, ओके। एंड अब देखते हैं कि तीसरा क्या है, ओ ओ डैश दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ओ ओ डैश इक्वल टू में ओ ओ डैश, ये क्या है कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, ओके, इस तरीका से दोनों ट्राइंगल, हाँ, तो किस रूल से, तो बाई एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए ओ पी एंड बी ओ पी दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए ओ पी इक्वल टू में एंगल बी ओ पी बाय सी बी सी डी, ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमारे पास तीन चीज आ गया, एक साइड, दूसरा एंगल, फिर तीसरा कॉमन साइड। इस तरीका से अब हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी
and triangle BOP. AO equal to BO. ये क्या हो गया आपका रेडियाई हो गया. दूसरा क्या है एंगल ए एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी. ये क्या है फ्रॉम इक्वेशन वन. फ्रॉम इक्वेशन वन. ओके नेक्स्ट क्या है ओ पी इक्वल टू में ओ पी. ये क्या है कॉमन है. अब आ गया तो हेंस ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी बाय साइड एंगल साइड एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. अब इनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल. तो वी कैन से दैट ए पी इक्वल टू बी पी बाय सी पी सी पी. सिमिलरली एंगल एंगल हमें फाइंड करना था ए पी ओ. ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ. ये भी आपका हो गया बाय सी पी सी पी. ये भी इक्वल हुआ है बट 90 डिग्री नहीं हुए. ओके तो ए बी ये ए बी क्या है एक लाइन है. तो एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री. ए बी क्या है एक लाइन है. तो लिखेंगे सिंस ए बी इज अ लाइन एक लाइन है दैट्स वाई इनका एंगल इसका एंगल इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल के एंगल जो है वो क्या होंगे 180 डिग्री होंगे. इसे मैं दे दूं इक्वेशन टू. ओके अब ये दोनों जो है आपस में इक्वल है ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. तो वी कैन से दैट कि एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन टू. टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू में 180 डिग्री. तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में टू कैंसिल हो गए. ओके ये आ गया एंगल हमारा वो 90 डिग्री. तो इस तरीका से अगर ये मतलब दोनों इक्वल है यहाँ पे मैं लिख दूँ देयरफॉर एंगल ए पी ओ है ना ए पी ओ इक्वल टू में एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है. तो सबसे पहले इसमें क्या है कि एक इसमें कितने स्टेप करने पड़े. सबसे पहले हमें फाइंड इस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उसका एक पार्ट को हमें सबसे पहले इक्वल करना था जिसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल को लिया और उस पार्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से मैंने सबसे पहले वो काम किया. अब इन दो ट्राइंगल को लिया तो उसके बाद दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद दोनों को इक्वल प्रूफ किया कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यानी ये बाइसेक्टर है दैट्स वाई ए पी और बी पी को इक्वल किया प्लस में एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ को इक्वल किया. बस हमें प्रूफ करना था कि वो 90 डिग्री भी है. दैट्स वाई एक स्टेप और आगे बढ़े कि सिंस ये ए बी क्या है एक लाइन है दैट्स वाई उस मेथड को प्रॉपर्टी को लेकर के लाइन की उस प्रॉपर्टी को लेकर के आगे हमने उसे 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और प्रूफ हो गए कि दोनों एंगल क्या है वो 90 डिग्री. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दें लाइक और शेयर करना ना भूलें.